ओके अब सुन, अब देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कानून जो है कोई अमल दखल नहीं करता, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस आपको मैंने बताई थी, जिसमें हमारे पास एक्सपायरी ऑफ द पीरियड भी है, डेथ ऑफ अ पार्टनर भी है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर भी है, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म वॉज फॉर्म। जब कोई हमारी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई थी तो हमने कोई ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हमारा था, कोई हमारा मकसद था, वो जब पूरा हो गया तो उसके बाद हमने पार्टनरशिप उससे ऑटोमेटिकली खत्म कर दी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जैसे कि अक्सर औकात आप देखते हैं अक्सर कंपनीज जो हैं सिक्योरिटी कंपनीज वालों से क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सही है? तो वो उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से अब वो आपकी कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, आपको दूसरी कंपनी के थ्रू क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होता है। एज इट इज एग्जाम्पल यहाँ भी फिट होती है कि आपने कोई पार्टनर आपने रखा था 1 साल के लिए, 1 साल पूरा हुआ, कोई ऑब्जेक्टिव था, कोई मकसद था, वो पूरा हुआ तो आपने उससे ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या कर ली, खत्म कर दी। कानून अब इसमें कोई अमल दखल नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो रही है पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट। देखिए जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना, हर हेडिंग की एक्सप्लेनेशन अब मैं बता रहा हूँ आपको। एग्रीमेंट क्या है कि आप सारे लोग या जो जितने पार्टनर हैं, सारे पार्टनर मिलकर अपनी जो है वो रजामंदी का इजहार करते हैं, म्यूचुअली एग्री होते हैं सारे पार्टनरशिप खत्म करने पे, तो ऐसी पार्टनरशिप खत्म होने को डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कहते हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट मतलब कि अपनी आप सब पार्टनर बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, यानी म्यूचुअल कंसेंट से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये कहलाती है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, आपकी अपनी बेसिकली ये बाय चॉइस आप अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो। पहली कंडीशन तो ये नजर आ गई। दूसरी कंडीशन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये है, देयर इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट बाय द आपके पास लिखा हुआ है बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन बिकमिंग इंसॉल्वेंट, बाय द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ एनी सच इवेंट। देखिए कंपल्सरी डिसोल्यूशन तो ये है कि आपका कोई पार्टनर वो आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वो पार्टनर किसी जो है वो फला जुर्म में पकड़ा जाता है, या उस पार्टनर के ऊपर कोई केस चल जाता है, वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, सही है? या आप कोई भी ऐसे अनलॉफुल एक्ट करते हुए पकड़े गए तो आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या हो जाते हो, बाहर हो जाते हो। आपके ऐसे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हो, या वो बंदा इंसॉल्वेंट हो। तो ऐसी चीज तो कंपलसरी डिसोल्यूशन है, क्योंकि ये अगर आपने उससे पार्टनरशिप खत्म नहीं करी तो ये आपके लिए आगे मसाइल बनेंगे। तो पार्टनरशिप ऐसे लोगों से फौरन खत्म हो जानी चाहिए। तो ये आप नहीं भी करेंगे तो पार्टनरशिप जो है कानूनन एक तरह से डिसॉल्व हो जाती है। कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं करेगा, कोर्ट कुछ कहे ना कहे ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, वाकयात हादसात हो सकते हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नंबर वन, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच अ पार्टनरशिप फर्म वॉज फॉर्म। हमारी पार्टनरशिप फर्म आज फॉर्म हुई है, आज है 30/11/2020, यानी 30 नवंबर 2020। हमारा एग्रीमेंट ये हुआ है कि 2025 में, यानी कि 30 नवंबर 2025 तक हम लोगों की पार्टनरशिप चलेगी। जैसे ही 30 नवंबर 2025 से आपका 1 दिसंबर लगेगा, तो 1 दिसंबर लगने के बाद हम लोग की पार्टनरशिप कानून खत्म नहीं करवा रहा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पे वो खत्म हो रही है। हमें अपना या तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट रिन्यू कराना पड़ेगा तो पार्टनरशिप फर्दर आगे बढ़ेगी, लेकिन न्यू पार्टनरशिप फॉर्म होगी, पुरानी वाली डिसॉल्व हो जाती है, पुरानी वाली का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। दूसरा है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर अगर कारोबार से आपके चला जाता है या कारोबार में कोई नया पार्टनर आ जाता है, दोनों कंडीशन में क्या होता है कि आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, पुरानी वाली डिसॉल्व हो जाती है और नई पार्टनरशिप आपको फॉर्म करना होती है। यानी कि हमारी जो पुरानी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व, यानी डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। इसी तरह से ऑन द सॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है, कोई इवेंट अगर हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट होने की बहुत सारे जराए होते हैं। नंबर वन यही आपने याद रखना है कि उसने कर्ज लिया था या कोई डेट्स उसके ऊपर थे, कुछ उसके ऊपर कर्जे थे, वो ऑन द स्पॉट या ऑन टाइम अगर वो अदा नहीं कर सका तो वो कानूनन बेसिकली क्या है कि अब वो इंसॉल्वेंट है। आपको पता है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसका इम्पैक्ट उसके घर पे और उसके बिजनेस एसेट्स दोनों के ऊपर आता है। तो
जो कि उसको क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट कर सकता है। ऐसी सूरत में इस शख्स से भी कारोबार फिर या कोई भी पार्टनरशिप वैलिड नहीं रहेगी, दैट इज वाई कि पार्टनरशिप इधर भी डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बता दिया मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी, अब आ जाइए थोड़ा सा आगे। सॉरी, आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कह रहा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। देखो ये है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट फिक्स्ड एंड द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ओके अरुबा कुछ पूछना चाह रही हैं, एक मिनट जाए बेटा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। जी बेटा बोलिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मुझे ये पूछना है कि अगर तीन पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उनमें से एक ने लोन लिया है, और अगर आप बैंक का लोन पे ना करें तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस वगैरह सबको जब्त कर लेते हैं, तो हाँ इस सूरत में क्या उसका बिजनेस जब्त किया जाएगा? और अगर जब्त किया जाएगा तो बिजनेस तो पार्टनरशिप पर होगा ना, तो बाकी पार्टनर्स का क्या होगा? देखिए बात सुने, अगर इन केस एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ने मिलकर जो है वो, अपने आप को अभी अनम्यूट रखिएगा पहले सुन लें, अगर सारे पार्टनर्स जो है आपके साथ हैं, अगर तीनों ने मिलकर लेट सपोज कारोबार में लोन लिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है पूरे पार्टनरशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप के साथ कहीं और बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, अपना एक और बिजनेस भी चला रहा है साथ में, उसने क्या करा, कहीं से उसने जो है लोन लिया हुआ है या पुराने कई लोन मौजूद है उसके ऊपर, वो ऑन टाइम ड्यूरेशन वो अदा नहीं कर सका, तो वो तमाम ड्यूरेशन अदा ना करने की बिना पे उसके ऊपर क्या होगा, एक ठप्पा लग जाएगा कि भाई ये शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि एक तरह से कर्जे अदा नहीं करें इसने, तो ऐसे शख्स के ऊपर क्या लगेगा, एक यहाँ पे एक समझ लें कि दाग लग जाएगा, तो वो इंसॉल्वेंट का दाग हो जाना पुरानी पार्टनरशिप जो उसकी न्यू पार्टनरशिप है उससे इसको डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि ऐसे शख्स जो कि कोई कहीं पे बैंकक्रप्ट हुआ हुआ है, कहीं पे उसके ऊपर कोई इंसॉल्वेंसी का इल्जाम हुआ हुआ है, तो वो शख्स किसी भी कारोबार में वैलिड या क्वालिफाई तसव्वुर नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली अदर बिजनेसेस से क्या हो जाता है, डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो जरूरी नहीं है, हाँ अगर इसने इसी पार्टनरशिप में रहते हुए तमाम पार्टनर के साथ मिलकर लोन लिया हुआ है, तो ये पूरी पार्टनरशिप पे तमाम पार्टनर्स पे इम्पैक्ट आएगा, सही है? तो इसमें एक पार्टनर नहीं, तमाम पार्टनर जो है वो आपके इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से, तमाम पार्टनर के नहीं, सही है बेटा? समझ गए आप, क्लियर है? नहीं, मैंने ये पूछा था कि अगर वो उस एक ही पार्टनर ने लोन लिया है और वो पे नहीं कर सका, तो बिजनेस तो जाहिर है पार्टनरशिप में कर रहे हैं ना, तो ये भी तो होता है ना कि बिजनेस जब्त कर लेते हैं, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी होगा, बिजनेस वगैरह सब, बात सुने, तो मेरी जो बात सुने, पार्टनरशिप में बाकी जो एक पार्टनर है उनका क्या पार्टनरशिप में, होगा? सुने एक पार्टनरशिप में तीन पार्टनर हैं, आप कह रही हैं कि एक पार्टनर ने लोन ले लिया, सही है? अगर उस पार्टनर ने इस पार्टनरशिप के कारोबार के लिए ही लोन लिया है, तो वो लोन लेना उस अकेले पार्टनर का लोन नहीं कहलाएगा, वो तीनों का लोन कहलाएगा, पहली बात तो ये, सही है? रही ना, तो एक पार्टनर का लोन नहीं है फिर, वो तीनों पार्टनर का लोन है, लेकिन उस पार्टनर ने इस तीन पार्टनरशिप के लिए लोन नहीं लिया, किसी और काम के लिए लोन लिया है, तो वो फिर उसका अपना पर्सनल लोन कहलाएगा, सही है? तो वो तो दोनों कंडीशन में, अगर पर्सनल लोन वाली कंडीशन में वो डिसक्वालीफाई होता है, तो इसकी यहाँ से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और अगर तीनों एक साथ लोन लेके पार्टनरशिप अगर अदा नहीं करते, अगर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो इन तीनों की पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली यहाँ भी डिजोल्व हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में डिजोल्व हो रही है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि एक आपका जो पार्टनर है वो किसी और जगह पे बैंकक्रप्ट हुआ, किसी और जगह पे इंसॉल्वेंट हुआ, तो यहाँ पे तो क्या होगा, डिसॉल्व हो गई है, सही है बेटा? तो चलिए, ठीक है। एक बंदे का अकेला लोन लेना वो उसका पार्टनरशिप में नहीं कहलाता, बेसिकली वो पार्टनरशिप का लोन है। जिस तरह से अगर एक आपकी ओवरऑल जो जी बेटा हेडिंग याद करने को बोला था, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट और डिसोल्यूशन बाय पार्टनर से याद करना है। जी बिल्कुल बेटा अब्दुल्ला, इधर से याद करना है आपने। अच्छा जी, खैर फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे ये है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। देखें नोटिस क्या होता है, कि यहाँ पे एक नोटिस भी लिखा हुआ है पार्टनरशिप का, जो जिस तरह का नोटिस होता है ना, आपके सामने मेंशन कर दिया है कि व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट फिक्स, लेट सपोज हमने जब पार्टनरशिप फर्म अपनी बनाई थी उस जमाने में हमने कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं करी थी कि 5 साल में 10 साल में ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो हुआ क्या कि जब इस तरह से हमने फिक्स नहीं किया था एग्रीमेंट में, तो अब क्या है कि अब तो कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी डिफाइन। जब टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमें अगर किसी पार्टनर को अपने कारोबार से निकालना है, तो हम उसको नोटिस पीरियड दे सकते हैं। नोटिस पीरियड क्या है कि हम उसको एक नोटिस पीरियड लिख दें कि आप फना पार्टनर हमारे, आप हमें जो है वो अगले साल से या 3 महीने बाद हमें ज्वाइन
आप नहीं करोगे, हमारा और आपका जो साथ था वो इतना ही है, बाकी जो भी सेपरेशन है, जो एसेट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी जो अमाउंट है वो आप तक आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है कि एक पार्टनर को अगर हम एक कारोबार से निकालते हैं तो उसको बकायदा डिसोल्यूशन के लिए नोटिस देना पड़ता है। तो ये कहलाता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, की एक नोटिस पीरियड देने के बाद उस पार्टनर से पार्टनरशिप को खत्म किया जाता है। एक पार्टनर भी अगर पार्टनरशिप से निकल जाए या वो इंतकाल कर जाए, या पार्टनरशिप से आप उसको नोटिस दे के निकाल दो, या वो पार्टनर जो है वो खुद से चला जाए, रिटायरमेंट ले ले, तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप पुरानी वाली डिसॉल्व हो जाती है। ये सारी कंडीशंस हैं पार्टनरशिप खत्म हो जाने की। तो इसके बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो न्यू एग्रीमेंट पे और न्यू कंडीशन पे फॉर्म होती है, पुरानी कंडीशन यहाँ पे एंड हो जाती है। सही, इसी तरह से हमारे पास है डिसोल्यूशन बाय, अगली हेडिंग है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब देखिए कोर्ट के ऑर्डर के कहने पे, यानी कोर्ट की यानी अदालत के जो है वो कहने पे अब हमें पार्टनरशिप खत्म करना पड़ रही है, वो क्या है, इंसैनिटी। इंसैनिटी ऑब्वियस ही बात है, एक बंदा जब कानूनन उस जो है वो एक तरह से इंसैनिटी, मतलब उसका अनसाउंड माइंड हो चुका है, अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी तवाजुन खत्म हो चुका है उसका, अब वो शख्स आपके कारोबार के लिए नुकसानदेह बन सकता है। तो ऐसे शख्स को कानूनन उसके ऊपर मोहर लगा दी गई है कि इस शख्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो ऐसे शख्स से कानून कहता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। कल को अगर कोई इंसैनिटी या आपका अनसाउंड माइंड शख्स, आपका पार्टनर आपको कारोबार में नुकसान पहुंचा देता है, तो आप उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं कर सकते। रीजन कि कानून ने उसके उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने को सख्ती से मना कर दिया था, तो आपने क्यों उसको अपना एज अ पार्टनर बनाया। तो ऐसे शख्स के ऊपर कोई केस नहीं बनता। अगर कोई पागल इंसान है, कोई इंसान जो कि कानूनन बेसिकली जो है वेरीफाइड समझ लें कि वो मेंटल या समझ लें कि एक तरह से इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड हो चुका है, तो ऐसे शख्स के साथ कानूनन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व यहाँ पे हो जाती है, नहीं होती तो कानून कहता है करो पार्टनरशिप डिसॉल्व। तो ये कानून यानी कोर्ट का ऑर्डर होता है। फिर इसी तरह से मिसकंडक्ट मतलब मिसकम्युनिकेशन। आपको मैंने कुछ कहा था, मैं आपके साथ कुछ कर गया, आप मैंने अपने पार्टनर से जो बातें करी थी, जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा, उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, तो वो जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर थे वो कानून के पास जाएंगे और वो बताएंगे वो ये मामला हो रहे हैं। तो ऐसे कानून जो है वो तमाम चीजों की जांच पड़ताल करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और फिर वो मुझे पार्टनरशिप से यहाँ से किक आउट कर देगा। कानून का ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि मैंने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करी है। जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर अगर मैं नहीं चलूंगा तो उसको पूरा नहीं करने की सूरत में मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, मेरे खिलाफ जो है वो कानूनन जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। कानूनन मुझे कानून यानी अदालत चाहे तो मुझे यहाँ से फिर बरतरफ कर दे। बरतरफ का मतलब मुझे यहाँ से हटा के वो इस पार्टनरशिप से यानी कि परमानेंटली डिलीट कर दे। इस तरह से हमारे कुछ पास्ट में आपने देखा होगा कुछ सियासतदान थे जिनके ऊपर कानूनन केस चल रहे हैं। तो ये जब तक उनके ऊपर केस चल रहे हैं, ऐसे शख्स से कोई कानूनन कोई भी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। रीजन क्या है, ऐसे शख्स को कानून ने क्या करा हुआ है, इसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ। आपने देखा होगा ना अक्सर औकात कोई भी शख्स होता है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा होता है या कोई भी उसके ऊपर कोई शक व शुबा होता है, तो ऐसे शख्स के अकाउंट बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सके, कोई पैसे ट्रांसफर ना करे, कोई पैसे यहाँ से भेजे ना, कोई निकाले ना, कुछ ना हो सके। तो इसी तरह से उसकी तमाम चीजें जो है वो जब्त हो जाती हैं, उसके तमाम जो है वो समझ लें आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं तमाम रोक ली जाती हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स, वीजा, ये वो सब ए टू जी हर चीज जो है कानून अपने पास रख लेता है। जब तक उस बंदे की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाए तो उसको कोई भी चीज जो है रिलीज नहीं होती। इसलिए कंटिन्यूस लॉस, देखो कंटिन्यूस लॉस क्या है कि आप एक कारोबार कर रहे हो, मुस्तकिल आप लॉस में जा रहे हो, मुस्तकिल आप लॉस में जा रहे हो, तो ऐसी सूरत में कानून आपको यही ऑर्डर देता है कि आप क्या करें, अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर लीजिए। रीजन क्या होता है कि जब आपने कारोबार में सिर्फ लॉस ही करना है तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप का कोई फायदा नहीं है। तो कानूनन आप कानून के पास जाके अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकते हो कि भाई हमने अब इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना, काइंडली हमारा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। तो कानून यानी कि आपका अदालत ऑर्डर देगी कि इसको बरतरफ कर दिया जाए, पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाए। तो जो भी लॉसेस के बाद रिमेनिंग आपका एसेट्स बचते हैं वो आपके दरमियान में अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अच्छा, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में हमारे पास क्या है, नॉर्मली इसको हेडिंग अभी रहने दें क्योंकि आपके पास जितनी हेडिंग मुझे पढ़ानी है मैं बता दूं पहले, कि कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है। अच्छा देखिए, परमानेंट इनकैपेसिटी क्या है। परमानेंट इनकैपेसिटी ये है कि कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ताहयात पाबंदी लग जाती है। ताहयात पाबंदी मतलब
कि ये शख्स अब कभी जिंदगी में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा शख्स, तो ये कानूनन एक ऐलान होता है कि ये शख्स परमानेंट इनकैपेसिटी या परमानेंट करप्ट हो चुका है। परमानेंट मतलब ताहयात, जैसे कि अक्सर का सुना होगा ये बंदा ताहयात इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसलिए ये ताहयात कोई कारोबार नहीं कर सकता, कोई बंदा बैंकक्रप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कानून उस पर ताहयात पाबंदी राज कर देता है कि यह फर्दर कोई कारोबार नहीं करेगा। इसी तरह से कोई परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है तो कानून ऐलान करता है कि अब ऐसे शख्सियत कोई जिंदगी भर कोई कारोबार इसके साथ नहीं होगा। इसी तरह परसिस्टेंट और डिसरिगार्ड ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय अ पार्टनर, कोई पार्टनरशिप कोई पार्टनर अगर अपने एग्रीमेंट की तौहीन करता है या उसको डिसरिगार्ड करता है या उसकी पाबंदी नहीं करता, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो भी ऑटोमेटिकली आपका कानून कहता है कि इससे एग्रीमेंट खत्म। देखो एग्रीमेंट क्यों होता है, एग्रीमेंट सिर्फ इसीलिए होता है कि एग्रीमेंट एक एविडेंस है, एक सबूत है कि ये मेरा पार्टनर है, ये इन शराइत पे चलेगा, अगर इन शराइत की खिलाफ वर्जी करेगा तो ये मेरा पार्टनर नहीं रहेगा। मैं कानून में जाके इसकी बात करूंगा, इसकी तमाम जो भी इसने एग्रीमेंट से हटके काम किए हैं वो इसके तारे सारे काम पेश करूंगा, तो कानून ये ऐलान कर देगा इससे बंदे से पार्टनरशिप क्या कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। तो ये कानूनन बेसिकली एक ऐलान होता है, वो कब होता है, जब आप अपने एग्रीमेंट की डिसरिगार्ड करते हो या खिलाफ वर्जी करते हो। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये है कि हम देखो नॉर्मली पार्टनरशिप आपको बताया था ट्रांसफरेबल नहीं होती, तो ये पार्टनरशिप ट्रांसफरेबल नहीं है। मैं किसी कंपनी का पार्टनर हूँ, मैं अगर उसका पार्टनर मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर मुल्क, मैं अपनी जगह अपने बेटे को पार्टनर बना दूँ, अपने भाई को पार्टनर बना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी तब तक न्यू पार्टनर उसमें एडमिट नहीं हो सकता, तो ट्रांसफरेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ये भी आपको पॉसिबल नहीं होता। अगर ये आप करते हो, इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, ऑब्वियसली बात है आपको पहले पार्टनरशिप खत्म करना होगी, उसके बाद नई पार्टनरशिप एंटर करोगे, नया पार्टनर एडमिट करोगे, तो ही जाके फिर आपका इंटरेस्ट बेसिकली ट्रांसफर होगा। इसी तरह से देखिए इंसैनिटी। अच्छा इंसैनिटी में जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इसको देख के तस्वीर नहीं बनानी होती बेसिकली आप लोगों ने, तस्वीर बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट थोड़ा सा ड्राई होता है, इन तस्वीरों को देख के थोड़े कलर्स आ जाते हैं दिमाग में, थोड़ा सा कुछ सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इंसैनिटी का मतलब आसान अल्फाज में इंसान का पागल हो जाना, पागल मजनून दीवाना समझ लें कि इन शॉर्ट साइको हो जाना, सही है। एक बंदा जो कि अब अनसाउंड माइंड है, इसको अच्छे अल्फाज में अनसाउंड माइंड कहा जाता है, जो कि अब दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं रखता। इफ अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड देन कोर्ट में अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। ये देखो स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जिसका सिर्फ पैसा लगा हुआ है, ये कारोबार में नहीं आ रहा, कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका पैसा लगा हुआ है, पैसे के मुताबिक इसको इसका प्रॉफिट मिलेगा, भले वो अब अनसाउंड माइंड हो या साउंड माइंड हो। इसके बाद अथॉरिटीज नहीं होंगी कि वो कारोबार में आए, कारोबार में आके आपके चेक एंड बैलेंस देखे, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करें। तो ऐसे शख्स को जो कि इंसैनिटी है जिसको हो चुकी है या अनसाउंड माइंड हो चुका है, इसको कानून क्या कहता है कि नॉर्मली इंसैनिटी होने के बाद आप देखो, पहली बात तो ये है इंसैनिटी हो गई, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, ये कानून ऐलान कर देता है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर जो है उसके पास कुछ कंडीशंस हैं कि वो पार्टनर रह सकता है, लेकिन उस कंडीशन में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट पहले करना होगा। एग्रीमेंट में क्या होगा कि अगर अनसाउंड माइंड शख्स आपका पार्टनर है तो ऐसे शख्स को पार्टनर बनाने के लिए उसके पास कोई अथॉरिटीज नहीं रहेंगी, क्योंकि अथॉरिटीज अगर चली गई कल को वो आपके कारोबार में आके बैठ गया और बोले फला रिकॉर्ड चेक करवाओ, कानून तो उसके पास इजाजत है, लेकिन कानून ये भी कहता है कि अनसाउंड माइंड से कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो आप उसको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ट्रांजेक्शंस, कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कोई बैंक स्टेटमेंट्स, कोई फला डिटेल्स आप उसको नहीं दे सकते, ये आपके पास याद रखनी है। तो नॉर्मली बस इसको आप इतना डिटेल में लेके मत जाइए, इतना ये इनसैनिटी अगर अनसाउंड माइंड कोई शख्स हो जाता है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, नहीं होती तो कानूनन डिस्क्वालीफाई डिसॉल्व करवाना पड़ती है। तो ये जरूरी है ताकि कल को वो पार्टनर जो इनसैनिट हो चुका है, जिसका दिमागी दवाजुन खराब हो चुका है, वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह से हमारे पास है परमानेंट इनकैपेसिटी। इफ अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर देन द कोर्ट मे अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक शख्स है आपका पार्टनर था, उसकी बेचारे की आंखें चली गई, अब क्या हुआ, परमानेंट इनकैपेसिटी है, कभी आंखें वापसी नहीं आ सकती। ऐसी सूरत में क्या है कि वो कानूनन आप उसको अपना पार्टनर तसव्वुर नहीं करोगे, उस पार्टनर से पार्टनरशिप क्या कर लोगे, खत्म कर लोगे। तो कानून भी इजाजत देता है कि कोई बंदा परमानेंट इनकैपेसिटी किसी की हो चुकी है
या परमानेंट माजूर हो चुका है, तो ऐसे शख्स से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अब आपका बेसिकली पार्टनरशिप कंटिन्यू आप नहीं रखोगे, सही है। इसी तरह से मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर्स, व्हेन एनी पार्टनर इज गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द कैरिंग ऑन बिजनेस, द कोर्ट में अलाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए सिंपल सी बात है, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर आपस में मिसकम्युनिकेशन हो जाना, आपस में झगड़े हो जाना, आपस में फसाद हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, बीच में तनाजे पैदा हो जाना, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की तरफ चले जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं होता कि आपके 10 पार्टनर थे, एक पार्टनर से झगड़ा हुआ, उसको हमने साइड में कर दिया और 9 पार्टनर ने पार्टनरशिप कंटिन्यू कर ली। कानून ये कहता है कि 10 पार्टनर अगर एग्रीमेंट में शामिल थे, एक पार्टनर से झगड़ा हुआ है, उसको आपने हटा दिया कारोबार से, तो आपने 9 पार्टनर ने मिलकर नया एग्रीमेंट करना होगा, यानी नई पार्टनरशिप फॉर्म करनी होगी, पुरानी वाली कानून डिसॉल्व हो चुकी है। सही बेटा, ये कानून कहता है। इसी तरह है आपके पास ये वाला पॉइंट हम बेसिकली छोड़ रहे हैं, इसको मैंने भी इग्नोर करा है। आगे आ जाइए, कंटिन्यूस लॉस। देखिए व्हेन अ फर्म इज वर्किंग इन कंटिन्यूस लॉस, एनी पार्टनर में अप्लाई टू कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए हर पार्टनर, अगर आप एक अरसे से 2 साल से कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हो, तो आपके पास ये राइट है आपका कि आप जाइए कानून, आप ये करिए कि अगर देखो पार्टनर नहीं मान रहे, डिसोल्यूशन नहीं करने दे रहे, आप कानून के पास जाइए, अदालत में आके बोलिए हम 2 साल से कंटिन्यूसली लॉस में, अब काइंडली कोई हल निकालिए। तो अदालत बाकायदा इसको तहकीकात करेगी और बाकायदा एक लॉस कंटिन्यूसली होने की वजह से पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकती है, पार्टनर सारे आजाद हो सकते हैं अपनी पार्टनरशिप से। जरूरी नहीं 5 साल का एग्रीमेंट पूरा करेंगे, नहीं, वो पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं अगर वो लॉस में जा रहे हैं। सही है। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये भी मैंने कहा था पॉइंट, अभी फिलहाल अभी इसको छोड़ दें क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सही है बेटा, थैंक यू। अच्छा ये ध्यान में रखना है, आपने अपनी जो बुक से याद करना है, टोटल आपने अपनी मर्जी कोई भी 8 हेडिंग याद करनी है, हर हेडिंग के अंदर एटलीस्ट 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है आपने। कोशिश करें अपने अल्फाज में लिखें, ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको अपनी इंग्लिश पे भरोसा नहीं है, तो आप काइंडली फिर थोड़ा सा याद कीजिए। सही है, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आप सबसे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।